तो दोस्तों आज की इस वेब सीरीज को देखकर मुझको अभी भी यकीन नहीं होता कि आजकल ट्रेन में ये काम भी हो रहे हैं। दोस्तों लोग बाग ट्रेन में बैठते हैं सफर तय करने के लिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन आजकल के युवाओं ने ट्रेन को ओयो होटल बना दिया है, क्योंकि आजकल हमको ट्रेन के टॉयलेट के अंदर लड़का लड़की हनीमून का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों आज की ये वेब सीरीज भी इसी टॉपिक पर होने वाली है और ये वेब सीरीज उल्लू के ऐप पर आज ही रिलीज हुई है और इस वेब सीरीज का नाम है चरम सुख ट्रेन। तो दोस्तों वीडियो में काफी मजा आने वाला है, स्टोरी काफी धमाकेदार और दमदार होने वाली है, तो कंप्लीट स्टोरी का मजा लेने के लिए प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। अब दोस्तों कहानी में हम देखते हैं कि जूही अपनी माँ के साथ रात को ट्रेन में सफर कर रही होती है, फिर अगले स्टेशन से इसी कंपार्टमेंट के अंदर एक नया लड़का एंट्री मारता है जिसका नाम नीलेश होता है। नीलेश इन लोगों को बताता है कि पानी में टिकट भीगने की वजह से उसे उसका नंबर दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी सीट कौन सी है, तो टीटी आने तक वो इन्हीं की सीट पर बैठना चाहता है। अब इन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब दोस्तों रात को जूही की माँ गहरी नींद में सो रही होती है और जूही अपने फोन में ब्लू फिल्म देखकर हाथ से काम चलाने वाली होती है, तो अचानक से सोचती है कि जब सामने औजार है तो जुगाड़ करने की जरूरत क्या है। अब दोस्तों जूही अपनी गर्मी निकालने के लिए नीलेश को इशारा देकर टॉयलेट में लेकर आ जाती है और उसके बाद टॉयलेट के अंदर ये दोनों अजनबी एक दूसरे के साथ काफी देर तक आपको धकापेल करते हुए दिखाए जाते हैं और कहानी लगभग यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों कहानी में काफी मजा आने वाला है, अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं, काफी अच्छी स्टोरी है, आप लोग इस वेब सीरीज को उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को स्टोरी हमारे द्वारा बताई गई कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर रोजाना देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।